गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वज्रेक्स कॉइन के बारे में कि वज्रेक्स कॉइन कितना ऊपर जा सकता है, अगर डाउन आता है तो आपकी बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए, और अगर आपने टॉप पे बाय कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बिटकॉइन और अदर अर्थ कॉइन के बारे में भी अपडेट देने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में, इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी के वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में टेलीग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, जो भी क्रिप्टो की अपडेट होती है, सिग्नल्स होते हैं, हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, तो उसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। इस वीडियो के जस्ट कुछ ही देर बाद में हम ट्रॉन, बीटीटी एंड विंग कॉइन का यहाँ पे एनालिसिस वीडियो रिलीज करेंगे, जो कि अगर आप उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा लेना। तो यहाँ पे वज्रेक्स कॉइन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड $250 के आसपास। और जिन लोगों ने भी लंबी, इसने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग करवाई है, कई लोगों ने यहाँ पर अराउंड 5-6 महीने से होल्डिंग कर रखी थी, बट जिन लोगों ने होल्डिंग की डेफिनेटली उनको काफ़ी बड़ा वाला प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये वज्रेक्स कॉइन अराउंड 6-7 महीने तक 5-10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी यहाँ से 400 रुपये तक चला गया था। यहाँ पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक कैलकुलेशन बता देता हूँ कि यहाँ पर लोगों को कितना बड़ा रिटर्न मिला। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनके पास कम फंड होता है वो यहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, 5-10% प्रॉफिट होता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन का, जहाँ पर आप स्मॉल फंड से अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा कितना बड़ा यहाँ पे रिटर्न दिया होगा। ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है और वज्रेक्स कॉइन यहाँ पे टॉप एक्सचेंज का कॉइन है, जो कि आपको अराउंड 8-9 महीने का आपको टाइम दिया था बाइंग करने का। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग की उसका रिटर्न के बारे में बात करूँ, यहाँ पे 10 रुपये के आसपास वज्रेक्स कॉइन अराउंड 6-7 महीने तक चला था। तो अगर आप एक एवरेज प्राइस मान के चलो कि 10 रुपये में आपने वज्रेक्स कॉइन के अंदर एंट्री ली और आपने जो वज्रेक्स कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया वो किया सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये, तो आपको मिल रहे होंगे 10 रुपये के हिसाब से 500 वज्रेक्स कॉइन। इसके बाद में आपने यहाँ पर अराउंड ये देखोगे जनवरी फरवरी मंथ के अंदर ही आपको 2021 में ही आपको ये 5-10 रुपये में मिल रहा था। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट लगा कि 10 रुपये मिला, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में भी सेल किया होगा, क्योंकि टॉप पे कोई नहीं करता तब तक जाता है, तब तक लोग सेल आउट करके बाहर हो जाते हैं, तो एक एवरेज मान के चलो कि आपने 300 रुपये पे भी इसको सेल किया है तो आपको कितना बड़ा रिटर्न मिला होगा आपने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करके। ये एक होल्डिंग पावर का यहाँ पर रिटर्न मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर 300 रुपये डालता हूँ, ठीक है, 300 रुपये डालता हूँ। वज्रेक्स कॉइन आपने कितने थे, 500 कॉइन, ठीक है। आप देखिए 150,000 रुपये यहाँ से अर्निंग निकली, तो सिंपल सा 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर यहाँ से 150,000 रुपये की अर्निंग निकाली। अगर इसी जगह पे किसी ने 10,000 रुपये का भी इन्वेस्ट किया होगा तो सीधा का सीधा 3,00,000 रुपये यहाँ से निकाले होंगे। तो ये है पावर क्रिप्टो करेंसी की। तो इस तरह से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी होल्डिंग पावर रखो और हमेशा एक ही सिद्धांत पर चलो, बाय इन लो सेल इन हाई। अभी लोग गलती क्या कर रहे हैं, अभी भी मैं श्योर हूँ, वीडियो के नीचे आप कमेंट देख लेना, जो ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें मैक्सिमम जो न्यू लोग हैं उन्होंने एंट्री ली है 300 प्लस में, 400 के आसपास बहुत लोगों ने एंट्री ली, 300 के आसपास तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बड़े अमाउंट से एंट्री ली। तो इस टाइप की एंट्री लेके आप साबित क्या करना चाहते हो, क्योंकि जो चीज़ 5 रुपये की है, 5 रुपये की 6-7 महीने तक चल रही थी, वो 300-400 रुपये हो चुकी है, तो तुम कितना उम्मीद कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम उम्मीद करके भी क्या कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के 5 रुपये से लेके 400 रुपये ले जाने में कितनी पावर लगी होगी वो जो मार्केट मेकर से उनको पता है। तो अभी 400 रुपये से अगर आपको 2x रिटर्न चाहिए, डबल चाहिए, तो 400 से सीधा 800 होना पड़ेगा उस कॉइन को। बट रिस्क लेवल आपका कितना बड़ा होता वो आप देखिए, 400 से सीधा अगर 100 पे आ गया तो आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो इस टाइप की गलती कभी मत किया करो, टॉप पे बिल्कुल भी एंट्री मत लो। अभी जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही है कि वज्रेक्स कॉइन से बेस्ट कोई कॉइन है ही नहीं, तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें आपके साथ में क्रिएट कर दी जाती है कि अब वज्रेक्स कॉइन को कैसे भी हालत में बाय करना, फिर आप फंस जाते हैं उस कॉइन के अंदर और आपको 2-3 साल तक का भी सर्वाइव करना पड़ सकता है। तो हमेशा ट्राई करो कि यहाँ पर डीप के अंदर बाइंग करो, और आप एटलीस्ट, कई लोग ऐसे अनलकी थे जिन लोगों ने डीप में भी बाय किया, 200 में भी किया था, फिर भी वो 400 में सेल नहीं किया,
था, ग्रेडी बन गए थे और वहाँ पर वापस से वो 200 पे आ गए। तो इस तरह की चीज़ें मत किया करो। अभी जो फ़िलहाल के लिए सिचुएशन है वो वज्रेक्स कॉइन अगर आपने टॉप पे बाय कर रखा तो होल्ड कर सकते हो। पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है किसी भी कॉइन के अंदर, आपको वेट करना है। अगर आपको होल्डिंग करनी पड़े तो मैंने यहाँ पर पर्सनली बोलूँ तो वज्रेक्स कॉइन के अंदर बहुत होल्डिंग पावर रखी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने अराउंड 9 से 10 महीने तक होल्ड किया था। मैंने 25 रुपये पर बाय किया था और यहाँ पर मैंने 2 से 3 वीडियो भी बनाए थे जब प्राइस इसका 15 से 20 रुपये के आसपास था। तो बहुत ज़्यादा मैंने बोला था लोगों को बाय कर लो, बट उसके बाद भी मतलब 15 रुपये के बाद भी कॉइन 5 रुपये पर आ गया था। इसके बाद में क्या हुआ कि कई लोगों ने यहाँ पर गलत कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो बर्बाद हो गए, 20-15 रुपये में किया था 5 रुपये आ गया। तो मैंने सभी लोगों को यही क्लियर कहा था कि भाई होल्डिंग पावर रखो। बहुत ही रियर मतलब लोगों ने ही होल्डिंग पावर रखी और ज़्यादातर लोगों ने सेल आउट कर दिया क्योंकि पैनिक सेलिंग कर दी। और जिन लोगों ने रखी वो गारंटीड है कि 10-20 हज़ार रुपये के इन्वेस्ट थे, वो आज 4-5 लाख रुपये ईजिली बन गए होंगे। ये होता है होल्डिंग पावर का मतलब रिटर्न। तो इस तरह की चीज़ें, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको शेयर नहीं किया था क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाय किया था फिर लो में सेल किया था। इस तरह से आप पैनिक आ जाते हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, उसके बाद में ब्लेम करते हो तो वो चीज़ें सही नहीं। मैंने पर्सनली भी यहाँ पे होल्डिंग किया और मैं पर्सनली भी ये बोलूँ कि मैंने जो बाय किया था मैंने अराउंड 8-9 महीने होल्ड रखा, फिर भी ज़्यादा बड़ा नहीं। तो मैंने अराउंड इस कॉइन को धीरे धीरे निकाल दिया था जब ये पंप नहीं हुआ था, अराउंड 10 रुपये 20 रुपये, धीरे धीरे मैंने 40 रुपये के आसपास में आउट हो गया था। तो इसके बाद में भी पंप हो गया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कितना भी जाए हम एटलीस्ट हमने प्रॉफिट ले लिया, 2x 3x हम खुश हैं। तो ये चीज़ें सही है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब किया करो, आपको टॉप पे एंट्री मत लिया करो। जब आप फंस जाते हो ना तो कभी भी आपको डीप बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कॉइन्स आपके मार्केट के अंदर हज़ारों कॉइन्स हैं तो आपको एंट्री कई कॉइन्स आपको काफ़ी चीप में मिल रहे हैं, तो आप उस कॉइन के अंदर एंट्री लेके आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर आप अभी बाय करने का सोच रहे हो तो इतना बड़ा रिस्क मत लो गाइस। अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हो तो 5-10% पोर्टफोलियो से ही लिया करो। कई जो न्यू लोग हैं, मैं आप लोगों को एक क्लियर चीज़ बता देता हूँ, अभी बुल मार्केट है, जिस दिन बियर मार्केट आया आप लोग कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 1% से ज़्यादा कोई लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आपका मतलब ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाएगी, रियल में बहुत लोग बर्बाद हो सकते हैं इस मार्केट से। इवन स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनको कि ख्वाब दिखता है 10x 20x का, तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी, जिनके कॉइन 10x भी हो चुके हैं, हमें काफ़ी क्वेरीज आती है, लोग 10x होने के बाद भी सेल नहीं करते हैं और दूसरे दिन अगर डीप आता तो वो कोई भी मतलब नहीं रहता। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहता है कि हमेशा ट्राई करो कि डीप में एंट्री लेने की। अभी जो एंट्री प्राइस है अभी फ़िलहाल के लिए कोई एंट्री प्राइस नहीं बनता है। अगर ये ऊपर जाता तो भागने दो, इससे अच्छे अच्छे और भी कई कॉइन्स है उसके अंदर आप एंट्री लेके होल्डिंग पावर रखो। इस कॉइन के अंदर एंट्री लेने का मतलब है कि बहुत बड़ा वाला रिस्क। आप लेना चाहें तो 5-7% पोर्टफोलियो से ले सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं लेना। जिन लोगों ने बाय कर रखा उन लोगों के लिए है कि यहाँ पर वज्रेक्स कॉइन ने अपना स्टाफ अराउंड डबल कर दिया है, यहाँ पर काम भी बहुत सारे हो रहे हैं, NFT पे भी वर्क हो रहा है और धीरे धीरे अगर सब कुछ चीज़ें सही रही, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम के अंदर जैसे बाइनेंस पे IOs आते हैं उस तरह के IOs आपको अपने वज्रेक्स एक्सचेंज पे भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको जो यूज केस है वज्रेक्स कॉइन का डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी बढ़ने वाला और आने वाले एक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली, अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, अगर चीज़ें सब कुछ सही रहती है, तो डेफिनेटली इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली कॉइन के अंदर अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप बाइंग की बात करें तो अगर आपको वज्रेक्स कॉइन 100 रुपये के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हैं। इस प्राइस पे आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए डीप का। अगर आपको नहीं मिलता है डीप में तो कोई बात नहीं, आप अदर कॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉइन हैं आप लोगों के लिए, मैं जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, आपको कई ऐसे इंडियन प्रोजेक्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं, जहाँ पर आपको बड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करके छोड़ दो तो आने वाले टाइम के अंदर 2-3 लाख होते हुए भी कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करो, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अपना रिसर्च जारी है, डेफिनेटली आपको जल्दी ही ऐसे कॉइन्स आपके साथ में शेयर करेंगे।
बट इसमें अभी एंट्री मत लेना। अगर आपने ली है तो ट्राई करो कि आपके बाइंग रेंज के आसपास आउट हो जाना और वेट करना थोड़ा सा डीप आने का। बाकी अगर यहाँ पर मार्केट मेकर्स अगर यहाँ पे फुली एक्टिव रहते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर ये 500-600 रुपये भी देखने को मिल सकता है। बट रिस्क फैक्टर भी आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को आपको याद रखना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाता तो डेफिनेटली आपको डाउन भी आ सकता है, तो वो रिस्क आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आपको चलना होगा। कुछ एग्जाम्पल दे दूँ कि कई लोग यहाँ पर जब मार्केट के अंदर एक्टिविटी चालू होती है, मार्केटिंग चालू होती है, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि लोगों को साइकोलॉजिकल तरीके से किस तरह से अटैक किया जाता है, जिससे कि वो मजबूर होकर टॉप पे बाय करने को मजबूर हो जाए। तो इसी तरह का मेटिक के अंदर हुआ था, कई लोग यहाँ पे फंस गए थे। और यहाँ पर अभी रिसेंट के अंदर अराउंड 15-20 दिन हो गए मेटिक लगातार यहाँ पे डीप आ रहा। अगर आपने 15-20 दिन से फंड आपका स्टक रहा, तो आप कोई भी दूसरी कॉइन भी बाय नहीं कर पाए और आपका इतना अच्छा खासा कॉइन पंप हुआ था उसमें आप पीछे रह गए, तो इस तरह की आप चीज़ें मत किया करो। वह मेटिक का बहुत ज़्यादा हाइप रहा था, लोगों ने बहुत एंट्री ली हुई, अभी भी फंसे हुए हैं। तो इस तरह की टॉप एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक्सीएम ने को आपको बहुत लोगों ने यहाँ पे सिखा दिया कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और यहाँ पे कई लोग फंसे हुए, मैं गारंटीड हूँ कि एक्सीएम के नाम का कोई भी वीडियो बना दो, यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो एक्सीएम ने भी आपको लोगों को बहुत कुछ सिखाया है कि यहाँ पे टॉप पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको हमेशा डीप एंट्री का वेट करना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा BQX के कितनी ज़्यादा हाइप थी, फिर भी यहाँ पे एक बार टॉप आउट होने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूस मार्केट, जिस भी बंदे का यहाँ पे फंड फंसा हुआ देख लीजिए, पूरा का पूरा ये जो बुल रैली है, अर्ली सीजन है, उसका चला गया और वो यहाँ पे उल्टा लॉस में जा रहा है। और दूसरे लोग यहाँ से 5-5, 10-10 गुना प्रॉफिट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, अर्ल्स कॉइंस के। वहाँ पर जिन बंदों ने ये होल्ड कर रखा वो पूरा का पूरा यहाँ पे डीप आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। CHR के आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, और जिन लोगों ने भी यहाँ पे, मैं श्योर हूँ बहुत लोगों ने यहाँ पे टॉप पे एंट्री ली हुई और अभी भी फंसे हुए हैं, उनका मैक्सिमम फंड, क्योंकि लोग एंट्री लेते थे यही नहीं सोचते कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है कि नहीं है, मतलब पूरा का पूरा फंड लगा देते। तो इसमें भी कई लोग फंसे हुए हैं, CHZ के अंदर भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो इस टाइप से अगर आप फंसते हो तो ये आपको एक सीख लेनी चाहिए इन कॉइन से, कि आप जाके हिस्ट्री में देख लो, बाइनेंस पे आपको हज़ारों, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉइन मिल जाएंगे जो कि इस तरह के आपको आपको इस तरह के ग्राफ देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर एक बार टॉप आउट होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूस ये गिरते हैं। इसकी मतलब CHZ की तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि इससे अच्छा तो कोई कॉइन हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिए टॉप पे, उनका पैसा अभी आप देखोगे अगर $100 लगाए तो उनका यहाँ पर ईजिली यहाँ पे $40-50 ही बचे होंगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि चलो आपके पास होल्डिंग पावर, आप होल्ड कर लोगे, बट वो आपका पैसा फंस गया। अगर आप उसी पैसे को अगर किसी डीप कॉइन में लगाते तो आप वो अब तक तो इस 15 दिन के अंदर 2x 3x डबल से 3 गुना तो आप कर चुके होगे। तो ये चीज़ सबसे बड़ी, और आपको रिस्क लेवल क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, अब कॉइन यहाँ से उठा हुआ है तो अब यहाँ पर भी आ सकता है और भी यहाँ से आधा हो सकता है, तो आप कितना बड़ा आप रिस्क लेके यहाँ पर आपने ट्रेड लिए। तो इस टाइप की एक्टिविटी मत किया करो कि टॉप पे आप एंट्री लो और लो में सेल करो। फिर क्या होगा गाइस कि ये डाउन आने लगेगा, फिर आप लो के अंदर इसको सेल करोगे, जहाँ पर भी आप सेल करोगे वहीं से ये पंप हो जाएगा। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। कई सारे कॉइन्स आपको डीप में मिल जाएंगे, मैं जल्दी ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कल तक आपको कि डीप कॉइन्स, हमने कई वीडियोज़ भी बनाए हैं आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर हम लोगों ने ट्रिलियम कॉइन का बताया था, जहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। जिन लोगों ने भी, हमारे काफ़ी फॉलोवर ने ट्रिलियम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया एलियन वर्ल्ड्स वाले में, तो उन लोगों को इजीली यहाँ से 10-20x तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी उसकी बाइंग नहीं हो सकती। जिन लोगों ने भी किया है, बाइनेंस पे 13 तारीख को लिस्ट हो रहा है, तो आप लोग उसको सेल कर सकते हो और अच्छा खासा एंड बड़ा वाला प्रॉफिट आपको मिलेगा उस कॉइन के अंदर। तो इस तरह के डीप कॉइन्स के अंदर आप एंट्री लिया करो। जिन लोगों ने भी बल्ले $500 की भी ज़रूरत नहीं, $50 भी लगाए तो उनके ईजिली यहाँ से $2,000-3,000 भी निकल सकते हैं उस कॉइन से। तो बस आप होल्ड करो उन कॉइन्स को, इस टाइप से आप इन्वेस्ट किया करो। टॉप के आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको वज्रेक्स में एंट्री लेनी तो डेफिनेटली थोड़ा सा डीप आने दो। और यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं कंटिन्यूस, बट ये नॉर्मल चीज़ होती है न्यूज़, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट होती तो मतलब बाइनेंस और वज्रेक्स की तरफ से इतनी कभी न्यूज़ नहीं आई, जितनी जैसे ही पंप होने लगा प्राइस तो डेफिनेटली हर 10 मिनट के अंदर न्यूज़ आ रही। तो यही चीज़ है ना, मार्केट मेकर्स इसको पंप कर रहे हैं और कभी भी यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, कभी भी मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो आपको टॉप पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, एटलीस्ट इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी BTC का आपको बता ही दिया कि यहाँ से अगर आपको BTC ड्रॉप होता है तो डेफिनेटली 57,000 से नीचे
अगर क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर अपने को छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि 50,000 और 40,000 तक आ सकता है। बट अभी फुल बुलिश है मार्केट, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर अगर यहाँ पर कंटिन्यूस इस लेवल से 57,000 के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली जल्दी ही अपने को 70,000 के आसपास बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। बट इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक करके नीचे आए तो डेफिनेटली अपन एक बियर मार्केट में भी घुस सकते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मार्केट का भी कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जो यहाँ पर मार्केट के अंदर BTC और Altcoin के अंदर बड़ा मूव ऑलमोस्ट रेडी है एक दो दिन के अंदर, जो कि इंडिकेशन मिल रहा है अपने को BTC डोमिनेंस से, यहाँ से एकदम से वापस से बाउंस बैक हुआ है BTC डोमिनेंस, तो आने वाले टाइम के अंदर अगेन रीटेस्ट कर सकता है 60 का लेवल BTC डोमिनेंस, फिर यहाँ पे एक डिसीजन जोन होगा कि यहाँ से ऊपर जाता है या डाउन आता है। अगर यहाँ से वापस से डाउन आया तो डेफिनेटली Altcoin के अंदर अगेन आपको यहाँ से 60 पे आएगा, तब आपको Altcoin काफ़ी चीप प्राइस में मिलेंगे, और अगर यहाँ से नीचे ड्रॉप हुआ तो आपको 2x 3x विद इन 5 से 10 दिन में हो जाएगा। तो आप वेट कर सकते हैं डीप बाइंग का, और डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा एंड बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। हमेशा ट्राई करो कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा USDT रहें कंपेयर टू कॉइन्स, तो आप जितना ज़्यादा आपके पास USDT रहेगा आपको डीप बाइंग में उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर पाओगे। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही Tron BTT एंड Wing Coin का वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच।